दोस्तों नंबर फिफ्थ पे आ जाता है नकज मार्केट नियर श्याम बंधु लखनऊ, जो कि थर्सडे को क्लोज रहती है। ये थर्सडे को मार्केट नहीं खुलती है। इस मार्केट की दोस्तों खासियत की बात करें तो जरदोजी, एम्ब्रॉयडरी गारमेंट्स, हैंडीक्राफ्ट चीज़ें और ज्वेलरी, ये यहाँ की फेमस चीज़ें हैं। मिल आपको हर चीज़ जाती है, लेकिन यहाँ में इस मार्केट की स्पेशली जगह यही है, मतलब ये चीज़ें आपको स्पेशल मिल जाती हैं यहाँ पे। तो एक बार आइए और जो ट्राई करिए दोस्तों, काफ़ी अच्छी मार्केट है। नंबर फोर्थ पे बात करें तो आलमबाग मार्केट रामनगर लखनऊ, जो कि संडे, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को बंद रहती है, नहीं खुलती है। और इस मार्केट की खासियत की बात करें तो ज्वेलरी, कंज्यूमर्स और ऑर्नामेंट्स, जेम स्टोन्स और शूज़, एप्रियल्स, फुटवेयर की भी ये काफ़ी अच्छी मार्केट है। और एक बार आइए और जरूर ट्राई करिए, काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगी। नंबर थर्ड की बात करें चौक मार्केट, चौक लखनऊ, जो कि थर्सडे को बंद रहती है, काफ़ी अच्छी मार्केट है। यहाँ पे आपको हैंडीक्राफ्ट, चिकनकरी गारमेंट्स, परफ्यूम्स, जरदोजी गारमेंट्स, फ्लावर मार्केट है यहाँ पे, और फुटवेयर। यहाँ पे आपको फ्लावर मार्केट काफ़ी बड़ी मिल जाएगी, काफ़ी हर तरीके के, हर किस्म के आपको फूल मिल जाएंगे। वेडिंग और कोई फंक्शन के लिए आपको फूल्स चाहिए होंगे, आपको फ्लावर चाहिए होंगे तो मिल जाएंगे। हैंडीक्राफ्ट चीज़ें भी काफ़ी अच्छी मिल जाएंगी, चिकन का भी मिल जाएगी, तो मस्त है दोस्तों। नंबर सेकंड की बात करें तो अमीनाबाद मार्केट, अमीनाबाद लखनऊ, जो कि संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को बंद रहती है ये मार्केट। और यहाँ की खासियत की बात करें तो चिकन कुर्ता, साड़ी, फुटवेयर, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, फैशन गारमेंट्स, वेडिंग एसेसरीज़ काफ़ी अच्छे और काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छे दाम में, काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। तो दोस्तों इस मार्केट को भी जरूर ट्राई करें। नंबर फर्स्ट की बात करें तो हजरतगंज मार्केट, जो कि है बीआरएस मार्ग, लालबाग, ई ब्लॉक, लखनऊ, जो कि पार्टली क्लोज रहती है और संडे को। और कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ जगहें हैं जो खुल जाती हैं और काफ़ी अच्छी है। चिकन करी, हैंडमेड, कुर्ता कुर्ती, एम्ब्रॉयडरी, साड़ी, ऑर्नामेंट्स काफ़ी अच्छे रेट पे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाते हैं। यही थी वीडियो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।